हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे जीजी प्लांट है और इसको कैसे रिपोर्ट करना है और इसकी एक प्लांट से कैसे दो प्लांट में डिवाइड करना है उसके बारे में वीडियो शेयर कर रही हूँ। और ये 6 इंच का पॉट है, इसमें मैं इसको लगाऊंगी। और इसमें अभी ये ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहा था क्योंकि काफ़ी भर गया है, तो मैं इसलिए इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। और जीजी प्लांट काफ़ी अच्छा प्लांट होता है, एयर प्योरीफाई प्लांट होता है और लो लाइट में भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी शेयर की थी, उसकी केयर बताई थी उसमें जीजी प्लांट की, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और ये देखिए कैसे इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूरे पॉट को उसने जकड़ रखा है, निकल ही नहीं रहा है, इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी इसमें ना। तो अब मैं इसको, अब निकल जाएगा ये। हाँ ये देखिए कितनी सारी रूट्स आई हुई है, इसमें बल्ब्स भी होते हैं इसमें, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई हुई थी इसकी। और ये जो नर्सरी से लगा हुआ है, ये कोकोपीट में लगा हुआ है, सारा ही ज़्यादातर कोकोपीट है। तो अब मैं इसको डिवाइड करूँगी, वन प्लांट से टू प्लांट बच जाएंगे मेरे जीजी प्लांट के। तो आप जब भी नर्सरी से लेके आए तो हेल्दी प्लांट ही लेके आ रहे हैं। इसको सेंटर में से मैं अलग कर दूंगी। ये देखिए हो गए दो प्लांट्स के, जीजी प्लांट के। अब मैं इसमें सोइल मिक्सचर मैंने वही तैयार किया है जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, 1% सैंड, 1% सोइल, गार्डन सोइल जो होती है, और 1% वर्मी कंपोस्ट। फंजीसाइड पाउडर डाला है मैंने थोड़ा सा, आप नीम खली भी डाल सकते हैं। नीम खली या फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर या दालचीनी पाउडर भी जो आपके पास इजिली अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। तो मैं इसमें लगा दूंगी इसको। ये आप सोइल मिक्सचर देखिए कितना बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल ना इसमें पानी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि जिस जी प्लांट को पानी बहुत कम पसंद है। जैसे मेरा ये कोकोपीट में लगा हुआ है था नर्सरी से, तो मैं इसे 15 दिन में एक बार पानी देती थी, बहुत थोड़ा। लेकिन अब जैसे मैं इसमें लगा रही हूँ तो इसमें अब गर्मी भी आ गई है, तो जब ये सोइल ड्राई हो जाएगी तो मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। तो अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने पहले भी जीजी प्लांट की शेयर की थी आपसे, जिसमें इसकी केयर के बारे में बताया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। और जब भी आप अपने पॉट की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें आप पानी साथ के साथ दें, तो जो उसके एयर पॉकेट्स होंगे तो वो बंद हो जाएंगे और पानी जो है वो ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए, इतना पानी दीजिए आप। अब इसको भी मैं ऐसे लगाऊंगी, भी मैंने खुद पेंट किया है। तो ये दो प्लांट रेडी हो गए मेरे, खुशी होती है बहुत जब एक से दो प्लांट बन जाते हैं। अब इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो से होगी, वरना इसकी ग्रोथ रुकी हुई भी थी बहुत, क्योंकि तो जगह ही नहीं थी पॉट में। बस पानी का ध्यान रखना होता है उसको, कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, पानी बस आप जब ड्राई हो जाए सोइल तब दें। ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके पत्ते पीले होकर गिर जाएंगे और प्लांट के जो बल्ब्स हैं वो गल जाएंगे। अब मैं पानी अब दिया है इसमें, और जब इसकी मिट्टी वो हो जाएगी ड्राई तो दूंगी। अब ये देखिए इसमें से ये टूट के निकल गया इसका बल्ब, ये देखिए वैसे लग रहा है जैसे हार्ट है, बिल्कुल उसकी हार्ट शेप में है ये। अब मैं इसको भी ग्रो कर दूंगी। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।